आप जानते हैं कि हर महीने के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और अगर ये व्रत सोमवार को है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व और इसके प्रभावी उपायों के बारे में। सोम प्रदोष इस बार 20 तारीख को पड़ रहा है, 20 तारीख को पड़ रहा है और यह बड़ा उत्तम दिन है और इस वर्ष का हम प्रथम यह सोम प्रदोष है। काशी के ज्योतिष आचार्य पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से संतान सुख का लाभ मिलता है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस साल का पहला सोम प्रदोष व्रत 20 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में पड़ रहा है। शनि प्रदोष होता है और एक सोम प्रदोष होता है, ये दोनों प्रदोष जो है संतान के लिए होती है, संतान की वृद्धि के लिए होती है। माताएं इन दोनों प्रदोषों का व्रत जो है आप सपने संतान की शुभता की कामना के लिए करती हैं। इन प्रदोष का व्रत करने से संतान स्वस्थ रहती है, चिरंजीवी रहते हैं, उनको कोई कष्ट बाधा नहीं होता है। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, यदि वह शनि प्रदोष या सोम प्रदोष से अगर एक वर्ष तक लगातार अगर वह व्रत उठा करके करता है तो निसंदेह उसको संतान उत्पन्न होने की संपूर्ण संभावना उत्पन्न होती है शास्त्र के आधार पर। इसलिए सोम प्रदोष की महत्ता बहुत अच्छी और उत्तरोत्तर मानी गई। इस दिन भगवान शिव को जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करना बेहद शुभकारी होता है। भगवान शिव को जल और दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए, इसके अलावा पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए। अब इसमें क्या पूजन करें, इसमें विशेष करके सोम प्रदोष में जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है पूजन, उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा महेश्वर का पूजन करना चाहिए। सायंकाल भगवान शिव का माँ पार्वती का दोनों लोग का विधिवत पूजन अर्चन करके इनको जो है बिलपत्र चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। भगवान शिव और पार्वती को सफेद बर्फी और मौसमी फल जैसे आम सेब और केला अर्पण करना चाहिए। भोग में विशेष करके हम भगवान को जो है फल के रूप में इस समय ऋतु फल के रूप में आम है, केला है या भोग के रूप में, और खोआ का कोई भी मिष्ठान जो है, चूँकि व्रत है तो खोआ का कोई भी मिष्ठान भोग के रूप में हम उनको अर्पित करते हैं। उनको तांबूल जो है जरूर अर्पित करें भोग के रूप में, भोग के साथ धूप दीप नैवेद्य जो है विधिवत अर्पित करें, निराजन करें, आरती करें और उमा महेश्वर के जो है संकीर्तन और गुणानुवाद करते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को शुद्ध बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 या 5 होनी चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती को सफेद मदार की माला अर्पित करनी चाहिए, इससे घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव का वास होता है। इनको जो है बेलपत्र चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को, माँ पार्वती को मंदार की माला चढ़ानी चाहिए, मंदार माला कुलिताल कायी कपाल माला अंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो एक माला जो है भगवती को अर्पित करना चाहिए, भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, भगवान शंकर को जो है माला अर्पित करनी चाहिए, सुच्छी माला अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से विधिवत हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएँ व्यक्ति की पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शिव को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए, वही माता पार्वती को पीले रंग का वस्त्र अर्पण करना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।